SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH 26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की तो हड़कंप मच गया। इन लोगों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य सामान जब्त किया है। मामला एमपी के बड़वानी जिले का है। दरअसल बड़वानी अवैध हथियारों की तस्करी के लिए कुख्यात है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस तेजी से कार्यवाही कर रही है। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियार तस्करों को पुलिस ने पकड़कर उनके कब्जे से अवैध हथियार और अन्य चीजें बरामद की हैं। इसी के चलते पुलिस ने सेंधवा ग्रामीण और अंजर थाना क्षेत्रों में हथियार तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। इनमें बड़ी कार्यवाही सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र में की गई, जहां 11 हथियार और 20 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। सेंधवा ग्रामीण थाने पर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी देव सिंह कन्नौजे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 देशी पिस्टल, 12 बोर के 6 देशी कट्टे, 20 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 बाइक जब्त की है। इसी तरह अंजर थाना पुलिस ने दिलीप पिपल्या को गिरफ्तार कर उसके पास से 12 बोर का देशी कट्टा मैं जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। देखिए, जैसा कि लगातार हमारी बड़वानी पुलिस अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही है, वर्तमान में निर्वाचन की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको देखते हुए हम लोग और इसमें लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सेंधवा ग्रामीण टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ हथियार संभावित हैं। जब हमने इसका घेराबंदी की, इसको पकड़ा, तो हमें तलाशी से इसके पास से 5 पिस्टल और 6 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 11 फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। 20 हमें एम्यूनिशन मिला है, यानी कि जो कारतूस है वो बरामद हुआ है। और इसमें हमने एक आरोपी जो है देव सिंह कन्नौजे, इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से जो हथियार है उसके साथ साथ एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। लगभग इसमें 3.25 लाख का मशरूका बरामद किया है और एक अच्छी सफलता हमारी सेंधवा ग्रामीण टीम को मिली है। हथियार कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा संबंधित? ये अभी जैसा कि हमारी कल शाम की कार्रवाई है और अब तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, उसमें इसने उमरटी के सिकलीगरों से लेना बताया है। एक सिकलीगर का नाम भी आया है, उसका नंबर भी आया है हमारे पास, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम कार्यरत है। पंचायत चुनाव है, क्या ये कहा जा सकता है कि इसके चुनाव में ये हथियार इस्तेमाल किए जा सकते थे? देखिए, ऐसा प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि इसका इस्तेमाल होना था अथवा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे ये ग्राहकों की तलाश में था और चूंकि अभी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक मंशा हो सकती है कि ये इसके टारगेट ऑडियंस वैसे हो सकते। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, NH 26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।